दोस्तों अभी हम जा रहे हैं शादी में जा रहे हैं, फुफेड़ी बहन का शादी है उसी में जा रहे हैं। तो अभी हम खड़े हैं बरौनी जंक्शन पे खड़े हैं, ठीक है। तो आपको हम जर्नी दिखाते हैं, पूरा जर्नी दिखाते हैं। अभी हम यहाँ से पकड़ेंगे एक ट्रेन पकड़ेंगे, ठीक है। चलिए वो ट्रेन दिखाते हैं कौन सा ट्रेन पकड़ते हैं, और जरा सा टिकट काउंटर पर पूछ लेते हैं टिकट डायरेक्ट मिलता है या नहीं मिलता, क्योंकि हम टिकट कटा चुके हैं, ऑनलाइन ही कटा लिए, क्योंकि पता चला क्या कि नहीं मिलता, डायरेक्ट नहीं मिलता, क्योंकि कोरोना की वजह से नहीं मिलता है। चलिए आपको दिखाते हैं, पूछते हैं मिलता कि नहीं मिलता। सर टिकट मिलेगा क्या मोर एक्सप्रेस का? नहीं मिलेगा सर, इसके लिए क्या करें सर? टिकट के लिए सर टिकट नहीं मिलता है, रिजर्वेशन होता है सर एक्सप्रेस का, रिजर्वेशन का। और मोबाइल में तो कट जाता है डायरेक्ट, यहाँ नहीं होगा। तो डायरेक्ट टिकट नहीं मिलता है कोरोना की वजह से। अभी आपने सुना प्लेटफॉर्म टिकट मिलता है या रिजर्वेशन करवाना, करवाइए, उसमें भी पहले आपको रिजर्वेशन करवाना है, ठीक है ना। तो मैंने कटवा लिया है, चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, मैं अपने से काट लिया टिकट। अब चलते हैं जंक्शन की ओर, प्लेटफॉर्म पर चलते हैं। सर मोर एक्सप्रेस कितने नंबर पर आ रही है? कन्फर्म नहीं हुई है, कन्फर्म होने दीजिए, अनाउंस करेंगे। ओके तो अभी हमने पूछा मोर एक्सप्रेस के बारे में, मोर एक्सप्रेस ही से जाना है, ठीक है। तो मैंने पूछा क्या कि कितने नंबर प्लेटफॉर्म पर आ रही है ट्रेन, तो इंक्वायरी ऑफिस से जवाब आया कि अभी कंफर्म नहीं हुई है, कंफर्म होगी तो अनाउंस कर दिया जाएगा। चलिए तब चलते हैं ऊपर की ओर चलते हैं। ये देखिए बरौनी जंक्शन का कुछ नज़ारा, ये है बरौनी जंक्शन का नज़ारा, और हम चाह रहे हैं सीढ़ी पे। ये देखिए ये कुछ दृश्य देखिए बरौनी जंक्शन का, अभी चल रहा हूँ मैं। ये देखिए ज़्यादा भीड़ नहीं है, मुझे लग रहा है कोरोना के डर से ज़्यादा भीड़ नहीं है। फिर से उतरना पड़ेगा, ऊपर पर ही रहेंगे प्लेटफॉर्म पर, सॉरी इसी पर रहेंगे, जैसे अनाउंस होगा। 5 नंबर पर आ रही है, 4 नंबर पर आ रही है, या 7 नंबर 6 नंबर पर आ रही है, तो फिर यहीं से उतर जाऊंगा, तो फिर नीचे उतरेंगे। आप कौन सा प्लेटफॉर्म पता नहीं है ना, फिर से ऊपर आना पड़ेगा, फिर से नीचे जाना पड़ेगा, इसलिए। और यही ठीक रहता है, जब पता ना हो ना तो आप ऊपर पर ही रहो। आप कौन से प्लेटफॉर्म पर आएगी पता नहीं है, ठीक है। ऐसे मोबाइल दिखा रही है कि 7 नंबर पर आएगी, तो उसी के आसपास खड़े हैं, उसी के आसपास। चलिए दिखाते हैं अपना जर्नी, दिखाते हैं आपको, शादी में जा रहे हैं, फुल एंजॉय होगा। इधर ही एक शादी से आई है मामा के
लड़के का शादी था, मेरे भाई का शादी था, उसमें गए, पूरा एंजॉय हुआ। और अभी फुफेड़ी बहन का शादी है तो उसमें जा रहे हैं, उसमें देखिए क्या क्या होता है। ठीक है, चलिए ठीक है। मेरे कंधों पर दोस्तों एक बैग है, आप देख सकते हैं ये बैग है, इसमें अपना कपड़ा है। ठीक है, और मम्मी पापा को बोले जाने के लिए, वो बोले नहीं कल जाएंगे, तुम चल जाओ अभी, तुम्हें जाना है तो। और मुझे फ़ोन भी किया गया कि आने के लिए, कि एक दिन पहले आओ, कुछ काम भी होगा थोड़ा मोड़ा, तो अच्छा रहता है ना, अच्छा भी लगता है, इसलिए एक दो दिन पहले जाना चाहिए शादी में। तो चलते हैं, अभी देखिए हम 7 नंबर पर खड़े हैं, उसी के सामने, 6 और 7 के सामने। ये देखिए 6-7 पर है जाने का रास्ता, प्लेटफॉर्म संख्या 6-7, इसी के आसपास खड़े हैं। मास्क लगा लेते हैं, मास्क लगा लिए, कोरोना टाइम है ना, इसलिए उसमें भी कि भीड़ भाड़ इलाका रहता है, बहुत ज़्यादा भीड़ रहता है, क्राउड रहता है, इन सब जगहों पर लगाना चाहिए मास्क। आप भी कहीं ट्रैवल करते हैं तो भीड़ भाड़ इलाकों में जो है मास्क लगा लीजिए, मास्क का उपयोग करना चाहिए, मैंने भी लगा लिया, डर सबको है। ये देखिए सबसे लास्ट प्लेटफॉर्म है 9 नंबर, इस पर ट्रेन भी लगी हुई है, आप देख सकते हैं ट्रेन लगी हुई है। ये ट्रेन कहाँ जाएगी ये भी देख लेते हैं, लिखा हुआ है, चल के देखते हैं। अहमदाबाद बरौनी स्पेशल, ये देखिए ये है 8 और ये है 9, ये लास्ट प्लेटफॉर्म है 8-9 तक ही है बरौनी में प्लेटफॉर्म, अंतिम प्लेटफॉर्म जो है 9 नंबर तक ही है। इसके बाद देखिए यहाँ पे छोटा सा नदी है, तालाब छोटा सा है, उसके बगल में रोड है, देख रहे हैं रोड है, मोटरसाइकिल गाड़ी जा रही है। ठीक है, नीचे देखिए कैंटीन है, मेरा ट्रेन आ रहा है, अनाउंस हो रहा है मोड एक्सप्रेस। गोरखपुर से चलकर धनबाद तक जाती है मोड एक्सप्रेस, इसी से मुझे जाना है, 7 नंबर पर आ रही है, और हम मतलब मोबाइल जो है सही बता रहा था। अनाउंस हो रहा है, चलिए अब चलते हैं। ये देखिए 7 नंबर आ गए हैं, 7 नंबर पे, बहुत ज़्यादा भीड़ नहीं है लेकिन बहुत कम भी नहीं है, ठीक ठाक ही है। चलिए आने का दिखाते हैं, ट्रेन आ रही है, ट्रेन में भीड़ तो है। देखिए कितना भीड़ है, बहुत ज़्यादा भीड़ है, और पहले से ट्रेन मारी भीड़ है ऑलरेडी। चलते हैं आगे की ओर,
किसी में भी चढ़ जाएंगे। ट्रेन आई है 6:40 में, 6:30 टाइम है, 10 मिनट लेट है। चलिए अब चढ़ते हैं, रुक गया ट्रेन, ये देखिए रुका हुआ ट्रेन, चढ़ जाते हैं। S7 ये ट्रेन पे आ गए हैं, ट्रेन के ऊपर है। ये आ गए ट्रेन के ऊपर, ट्रेन खुल गई है बरौनी से, 6:52 है। ट्रेन खुलने का टाइम है 6:30 और 6:15 में जो है 6:15 में आने का टाइम है, और 15 मिनट खड़ा रहती है यहाँ पे बरौनी जंक्शन पे, तब खुलती है। लेकिन ये खुली है 6:52 में, 30 की जगह 52 खुली है, 22 मिनट लेट है। ये है हमारा इंडिया का ट्रेन, इतना लेट चलती है। ये देखिए टाइम घड़ी का, 6:52 में खुली है। चलिए अब मिलते हैं बरहिया में आपको, वहाँ का कुछ दृश्य दिखाते हैं। तो उतर गए हैं बरहिया, बरहिया उतर गए हैं। अभी टाइम हो रहा है 7:45, बरहिया पैनल कक्ष, बरहिया उतर गए हैं। बरहिया का मेन गेट, अभी मैं बरहिया के बाहर मतलब जंक्शन के बाहर निकल के खड़ा हूँ, और फोन किया हूँ घर तो आ रहे हैं, बाइक लेकर आ रहे हैं, जाएंगे तब जाएंगे घर जाएंगे। 5 मिनट में आ जाएंगे, फिर यहाँ से चले जाएंगे। पैसेंजर भी नहीं है, कोई जाने की तैयार भी नहीं होगा, इसलिए मैंने कॉल कर दिया। मेरा जर्नी यहीं से घर तक जाएंगे मोटरसाइकिल से, इसके बाद खत्म। कहिए आ गए, हाथी का फोटो खींच रहे थे। इस घर का ऑफिस कैसा है?
चलिए क्या? हाँ चलिए ना। तो वो घर था नया वाला फूफा जी का, पुराने वाले घर में चलते हैं अब। पुराने वाले घर में चलते हैं, वो नया वाला घर था। ये देखिए जो सजा हुआ है, यही घर है पुराना वाला, ये वाला, ये सामने वाला, यही ये वाला घर है। ये मेरी दीदी है। खुश रहो खुश रहो खुश रहो। ये है पुराना वाला घर मेरे फूफा जी का। नहीं ये कहाँ गए सब? ये पुराना वाला घर है। मुकेश भैया कहाँ है? ये हो रहा है डेकोरेशन का काम ना, अभी तो कल तक सजेगा ना ये।